Hello learners, welcome to today's session. I am Urmi, SEO Home Science at NIOS, and today I will be talking to you about the guidelines, criteria, and precautions to be observed and followed while selecting textiles and clothing. So, our topic today is selection of textiles and clothing. इट इज़ बेस्ड ऑन योर लेसन ट्वेंटी सिक्स ऑफ मॉड्यूल फाइव अब ये तो बात सच है लर्नर्स कि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा आकर्षक हो गया है इतनी वेराइटीज़ हर वस्तु में अवेलेबल है आप सोचते रह जाते हैं कि आप किस चीज़ को सेलेक्ट uh, करें क्योंकि इतने सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं एंड दिस इज़ ट्रू फॉर टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग ऑल्सो You will be amazed to know, learners, that in the past few years there has been a tremendous revolution and advancements in the field of textile and clothing. New, new blends have come up with unbelievable qualities and unbelievable usages. New fibers are being created.

इन ब्लेंड्स की अपनी एक विशेषता है ये खाली लुक्स को ही नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं या उसी में नहीं परिवर्तन ला रहे हैं बल्कि ये परिवर्तन ला रहे हैं गुणवत्ता में और उसके साथ साथ उपयोगिता में आज मैं एक बहुत अच्छे ब्लेंड की बात करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा आजकल प्रिवलेंट है और वो है कॉटन विथ लाइक्रा बहुत ही अद्भुत ब्लेंड है विथ ट्रमेंडस क्वालिटीज़ इसमें कॉटन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि वो एब्जॉर्बेंट है वो उसमें तापचा लगता है और उसमें लाइक्रा की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेचबिलिटी है वो बहुत फैब्रिक को लाइट बना देता है और आ, उसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है लेनस में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी आपकी स्ट्रेचेबल जीन्स पर या आपकी लेगिंग्स पर स्ट्रेचेबल ट्राउजर्स पर टी शर्ट्स पर जो आप लोग ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे इस्तेमाल कर रहे होंगे आप उनको पहन रहे होंगे और आपको उनकी उपयोगिता समझ में आ रही होगी और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि उनकी मेंटेनेंस कितनी आसान है इसी तरह से भारत का जो एक फैब्रिक है भारत की आन मान शान है वो खादी उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुए हैं उसके नए नए ब्लेंड्स बने हैं सिल्क के साथ और पॉलिएस्टर के साथ जिससे कि खादी का मूल गुण तो रहा ही फैब्रिक में लेकिन उसके साथ साथ उसमें और बहुत क्वालिटीज़ आ गई बहुत गुणवत्ता आ गई और उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई और सबसे बड़ी बात है कि उसमें ड्यूरेबिलिटी आई और उसकी मेंटेनेंस बहुत आसान हो गई इसी तरह से परिसज्जा ने भी हैज़ टेकन अ लीप फॉरवर्ड आपको जानकारी है इस बात की कि कपड़े पे परिसज्जा कर कर उसकी गुणवत्ता को कैसे इम्प्रूव करा जाता है तो ऐसे ही परिसज्जा करके कई बार देर इज़ अ साइड ऑल्सो दो पहलू हैं कॉइन्स के एंड द फ्लिप साइड इज़ कि कई बार इन्फीरियर क्वालिटी कपड़े को परिसज्जा कर कर एक बहुत ही एक्सपेंसिव रूप में बेच दिया जाता है अब क्योंकि आपको जानकारी नहीं है और आपको वो एक नया फैब्रिक बताकर और आपको जो शॉपकीपर है वो सेल कर देता है आप सोचते हैं कि शायद इसमें ज़रूर वो क्वालिटीज़ होंगी क्योंकि देखने में तो बहुत चमकदार लग रहा है बहुत स्मूथ लग रहा है लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तब आपको पता चलता है कि ना तो ये ड्यूरेबल है ना ये लॉन्ग लास्टिंग है ना इसमें इतने को गुण हैं सो देन यू फील वेरी चीटेड बिकॉज यू हैड ब्रॉड द क्लॉथ फॉर अ वे पर्टिकुलर पर्पज उसका एंड यूज था जो कि वो मकसद पूरा नहीं हुआ इसी तरह की बहुत सारी मैल प्रैक्टिस मार्केट में हैं और हमारी आज की चर्चा इसी पे बेस्ड है कि हम देखेंगे कि वो क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें हेल्प करेंगी फॉर द सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक और हमें एक जागरूक कंज्यूमर बनाएंगी एक जागरूक उपभोक्ता बनाएंगी जिससे कि हम शिकार ना हो इन मैल प्रैक्टिस के या इनके टारगेट ना बने और हम अपना प्रॉपर सिलेक्शन कर सकें तो चलिए इसी पे विस्तार से आगे इस पर बातचीत करते हैं आ टास्क टूडे इज क्राइटीरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ़ फैब्रिक्स फॉर डिफरेंट एंड यूजेस Listing the factors influencing selection of clothing, importance of labels and markings as quality indicators, malpractices in trading of textiles and clothing, and judging quality of textile products and ready made garments. So, what is the criteria for selection of fabrics? The first is फाइबर प्रॉपर्टीज फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड फिनिशेज अप्लाइड चलिए इसको विस्तार में लेते हैं हम अपने चारों तरफ अगर देखें तो हमें फैब्रिक ही फैब्रिक नज़र आता है फैब्रिक केवल हमारे परिधान या अंतरवस्त्र के लिए ही नहीं यूज़ होता लेकिन पर्दे हैं अपोल्स्ट्री है सोफा कवर्स हैं कुशन कवर्स हैं टेबल कवर्स हैं टेबल मैथ्स हैं बेड कवर्स हैं बेडशीट्स हैं पिलो कवर्स हैं कारपेट्स हैं फ्लोर मैथ्स हैं ये सब फैब्रिक से बने होंगे लेकिन लर्नर्स अगर आप गौर से देखें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि हर फैब्रिक की गुण अलग हैं जो फैब्रिक परिधान के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो फैब्रिक कारपेट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है या कर्टन्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है या उसकी बेडशीट्स नहीं बन सकती हैं तो ये जो भिन्नता है ये कैसे आती है ये आती है फाइबर से फाइबर की लेंथ क्या है उसका ओरिजिन क्या है उसकी बनावट कैसी है उसे कितने एठन दिए गए हैं उसकी आ, एब्जॉपशन की जो पार है वो कैसी है नमी अवशोषण उसका कैसा है ताप चालकता उसकी कैसी है क्या वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है उसका कितनी स्ट्रेंथ है कितनी दृढ़ता है उसमें इन सब पे डिपेंड करता है हमारी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ और इसी से फैब्रिक भिन्न हो जाता है क्योंकि अलग अलग फाइबर्स लेते हैं हम कपड़ा बनाने के लिए फिर फैब्रिक कंस्ट्रक्शन अलग टेक्निक्स है तो चलिए पहले हम फाइबर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अब फाइबर की आपको पता है कि एक लघु तंतु होता है और एक दीर्घ तंतु होता है लघु तंतु है जैसे कॉटन लिनन दीर्घ तंतु हैं फिलामेंट्स जैसे हमारा पॉलिएस्टर अब लघु तंतु जो है उनका जो मूल क्वालिटी है वो ये है कि वो खुरदुरा सरफेस रहेगा लेकिन जो हमारे फिलामेंट्स हैं या जो दीर्घ तंतु हैं वो बहुत चिकने मुलायम और चमकदार होंगे ये उनकी एक बेसिक मूल प्रॉपर्टी है लघु तंतु की एक और मूल प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी डस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और उनकी धुलाई भी कोई आसान नहीं है उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं उस बड़ा टीडियस प्रोसेस है ऑन द अदर हैंड जो हमारे दीर्घ तंतु हैं वो बहुत ईजी टू मेनटेन है वो बहुत जल्दी धुल जाते हैं आसानी से धुल जाते हैं जल्दी सूख जाते हैं धोने के बाद उनकी कोई परिसज्जा भी नहीं करनी पड़ती है तो अगर आपको फैब्रिक जब आप ख़रीद रहे हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए अपने एंड यूज़ का कि आप किस लिए फैब्रिक खरीद रहे हैं और फिर आप फाइबर की इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए जो आपको सूट करे उसके हिसाब से आप कपड़ा खरीद लीजिए अगर आपको चाहिए कि मेंटेनेंस इजी रहे या वो देखने में बहुत उसमें शीन हो चमक हो तो आप फिलामेंट फाइबर्स वाला फैब्रिक लीजिए अगर आप कॉटन का लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसकी मेंटेनेंस बहुत टाइम लेगी और उसकी परिसज्जा करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो उसका मूल गुण है कि अगर उस परिसज्जा हो भी गई है तो भी अधुलाई के बाद उसको आपको परिसज्जित करना पड़ेगा अनलेस कि उस पर कोई परमानेंट फिनिश हुई हो अब आते हैं फाइबर के दूसरे गुण पे जो है नमी अवशोषण जैसे हमारे कॉटन और लिनन है इनकी मूल क्वालिटी है मूल प्रॉपर्टी है कि ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं तो अगर हमें गर्मियों के लिए कपड़े खरीदने हैं तो हम कॉटन और लिनन की लेंगे क्योंकि अगर हम पॉलिएस्टर की लेते हैं तो उनके अंदर नमी अवशोषण नहीं है तो वो बहुत ही हमको अनकंफर्टेबल लगेगा उनको पहनना हालांकि उनकी मेंटेनेंस बहुत आसान है लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे गर्मी के दिनों में उनको पहनने में क्योंकि गर्मी भी है उमस भी है इसी तरह से अगर हमें सर्दी के कपड़े लेने हैं तो हम वुलन्स लेंगे या हम पॉलीएस्टर ले सकते हैं क्योंकि उस वक्त इतनी नमी की ज़रूरत नहीं है नमी को एब्जॉर्ब करने की तीसरी इसकी क्वालिटी है ताप चालकता यानी इज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इज इट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट कॉटन और लिनन जो है वो सू बहुत ही गुड कॉन्डक्ट हैं यानी कि वो अलाउ करते हैं आपकी शारीरिक ऊष्मा को एस्केप करने के लिए तो आपकी त्वचा ठंडी हो जाती है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मी के मौसम में या आप बरसात के मौसम में अच्छा फील करते हैं लेकिन जो उस ऊनी कपड़े हैं वो सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं बहुत ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि वो कुचालक हैं यानी वो ऊष्मा को आपकी शरीर से एस्केप नहीं करने देते आपके शरीर में ऊष्मा बरकरार रहती है संजो के रखते हैं वो जिससे कि आप वॉर्म फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पे वो है दृढ़ता तंतु की मूल गुण पर ही कपड़े की दृढ़ता निर्भर करती है कुछ तंतु ऐसे हैं कि वो गीले होने पर बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं जैसे रेन है तो हमें जब अपना एंड यूज़ देखना है कि हमें किस लिए कपड़ा चाहिए और उसकी कैसी मेंटेनेंस होगी तो हम ये दृढ़ता ध्यान में रखें कॉटन और सिंथेटिक uh, जो हैं वो गीले होकर भी बहुत मजबूत रहते हैं तो हमें ये सब बातें ध्यान रखते हुए अपने कपड़े का सिलेक्शन करना है अब आते हैं फाइबर कंस्ट्रक्शन पे। फाइबर कंस्ट्रक्शन की आपको पता है बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे वीविंग अब वीविंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि एक बहुत ही मजबूत कपड़ा बनता है ऑन द अदर हैंड अगर हम निटिंग से कपड़े बनाते हैं तो वो क्या है बहुत छितरे बनते हैं और उनमें बहुत स्ट्रेच होता है इसी तरह से हमारी और भी बीविंग टेक्निक्स हैं जैसे लेसेस हैं नेट्स हैं ब्रेड्स हैं नॉन वोवन फैब्रिक्स हैं इनके अलग अलग गुण फैब्रिक में आते हैं इनकी टेक्निक की वजह से तो लर्नर्स मैं इस बात को रीटरेट करती रहूँगी और आपको ये समझना होगा कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है अपने एंड यूज़ का कि हम किस लिए कपड़ा ख़रीद रहे हैं और किस टेक्निक से हमारा कपड़ा हमारे लिए सूटेबल रहेगा उसके बाद हम आते हैं फिनिशेज अप्लाइड या परिसज्जा पे। बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है कपड़े को ख़रीदने के लिए परिसज्जा आपको पता है कि मर्सराइजेशन, वॉश एंड वेयर ये बहुत अच्छी फिनिशेज़ हैं बहुत अच्छी परिसज्जाएँ हैं जिनसे कपड़े की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अब मान लीजिए आपको साढ़े चार मीटर कपड़ा खरीदना है अगर आप ऑर्डनरी कॉटन का लेते हैं तो आप क्या करेंगे आप पाँच मीटर कपड़ा खरीदेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये ज़रूर फर्स्ट वॉश के बाद श्रिंक करेगा और अगर मैंने बिना श्रिंक करे से कपड़े बना लिए तो मेरे कपड़े श्रिंक हो जाएंगे और मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे लेकिन वहीं अगर आप मर्सराइज्ड कॉटन ले रहे हैं तो आप खाली साढ़े चार मीटर ही खरीदेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये ऑलरेडी प्री श्रंक है अब इसकी फर्दर श्रिंकेज नहीं होगी तो मैं उतना ही कपड़ा खरीदती हूँ जितना कि मेरे लिए मुझे मेरे काम के लिए आवश्यक है ऐसे ही सैनफ्राइजेशन है रिंकल फ्री है आपकी अगर व्यवसाय ऐसा है कि आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है आपको इधर उधर बहुत जाना पड़ता है आपका बहुत लंबे समय तक वर्किंग आवर्स हैं आपके तो आप ऐसे कपड़े लेंगे जिसमें कि रिंकल फ्री हों उनमें रिंकल्स ना पड़े, उससे क्या होगा कि आप शैबी नहीं लगेंगे आप हमेशा वेल ड्रेस लगेंगे ऐसे ही वॉशन वेयर है जैसे बरसात का मौसम है तो आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे जो जल्दी से सूख जाएं, जल्दी से धुल जाएं, उनकी मेंटेनेंस में ज़्यादा समय ना लगे क्योंकि धूप नहीं निकल रही है सूख नहीं रहे हैं कपड़े तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं फॉर द सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स लेट्स कम टू आर नेक्स्ट स्लाइड आ नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेलेक्शन ऑफ क्लोथ्स ये क्या है भाई क्लाइमेट इसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्लाइमेट ओकेजन एज प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन विस्तार में बात करते हैं चलिए सबसे पहले लेते हैं मौसम अब गर्मियों में मैंने जैसे आपको बताया कि सूती और लिनन कपड़े बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हैं क्यों क्योंकि उनमें नमी अवशोषण की गुणवत्ता है और वो बहुत ब्रीदेबल हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं क्योंकि वो आपके पसीने को सोख लेते हैं और उसके साथ साथ वो आपकी बॉडी को बहुत आसानी से ब्रीद करने देते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों के मौसम में वहीं अगर हम रेनी सीज़न की बात करें तो हमें चाहिए ऐसे कपड़े जो एंड वेयर हों बहुत जल्दी सूख जाएं, बिल्कुल अपने अंदर वो नमी को ना रखें और हमें लेकिन साथ साथ ब्रीदेबल भी हो और एब्ज़ॉर्बेंट भी हो क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ही उमस का महीना होता है वो बहुत उमस होती है पसीना बहुत आता है तो उन कपड़ों का वो उन कपड़ों की ये गुणवत्ता होनी चाहिए कि वो एब्ज़ॉर्बेंट भी हो और ब्रीदेबल भी हो इसी तरह से विंटर सीज़न में हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत ब्राइट कलर्स के होने चाहिए थिक एंड वार्म होने चाहिए जैसे वूल और सिल्क के हम कपड़े ले सकते हैं क्योंकि वो कुचालक हैं और हमारे शरीर को की ऊष्मा को वो एस्केप नहीं करने देंगे और हम वार्म फील करते रहेंगे दूसरा आता है हमारा क्राइटेरिया ओकेजन हम किस जगह पहनने के लिए ये कपड़ा ख़रीद रहे हैं क्या ओकेजन है कोई विवाह है कोई मंगल कार्यक्रम है किसी की एंगेजमेंट है कोई बर्थडे पार्टी है तो ऐसे में जब हम कपड़ा खरीदते हैं विवाह या किसी अन्य मंगल कार्यक्रम में तो हम चमकीले सात सज्जा वाले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और भाई औचित्य भी यही है चटक रंग या सादे रंग पे कढ़ाई या मीनाकारी या रत्न जटित वस्त्र इन अवसरों के लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं ये लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कपड़े फैशनेबल हों ट्रेंडी डिज़ाइंस हों और ऐसे कट्स हों जो हमारी बॉडी को हमारे फिगर को सूट करें फॉर्मल क्लोथ्स जैसे लहंगा शेरवानी धोती कुर्ता गरारा हेवली एम्ब्रॉयडर्ड या ब्रोकेड के कपड़े लेकर हम अपने वस्त्र बनाते हैं अब क्योंकि हमारे वस्त्रों को इतना ऑस्टेंटेशस होना है इतना मतलब वो खूबसूरत लगे इसलिए हम फैब्रिक भी ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं जैसे सिल्क सेलेक्ट करते हैं या हम सैटन सेलेक्ट करते हैं जिनमें एक स्वाभाविक लस्टर होती है सो इट एड्स टू द ग्रैंड एंड द गेटी ऑफ द ओकेजन इसी तरह अगर आप किसी फॉर्मल फंक्शन या मीटिंग या इंटरव्यू या किसी सेमिनार में जा रहे हैं तो आप चटकीले कपड़े तो पहन के नहीं जाएंगे उस वक्त आप कैसे लेंगे आप लेंगे जिनमें नेचुरल स्मूदनेस और शीन हो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि परिधान का फिट कलर स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को एनहैंस करे और आप में आत्मविश्वास को बढ़ाए अब है ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में आप कैसे कपड़े पहनेंगे जो कम्फर्टेबल हो, फ्लेक्सिबल क्लोथ्स हो एब्जॉर्बेंट हो ब्रीदेबल हो एंड ईज़ी टू वेयर एंड मेनटेन हो क्योंकि आप ट्रैवलिंग में बहुत सारे कपड़े तो लेके जा नहीं सकते हैं तो आपको ऐसे कपड़े लेने हैं जो जल्दी गंदे नहीं होते हैं और जिनको मेनटेन करना आसान है उनमें आयनिंग की ज़रूरत नहीं होती वो रिंकल फ्री होते हैं जिससे कि जब आप दूसरी जगह जाएँ तो आप शैबी नहीं लगें ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे बड़े सोलम फंक्शन में जा रहे हैं तो आप चटकीले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनेंगे आप सोबर कलर्स पहनेंगे आप ऐसे कपड़े पहनेंगे जिनमें सात सज्जा का बहुत एक्सेसरीज uh, ना लगी हो, जो रिंकल रेजिस्टेंट हो क्योंकि आपको पता नहीं आपको कितनी देर बैठे रहना पड़ेगा कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा इजी टू वॉश हो एंड कंफर्टेबल टू वेयर नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स सबसे पहले हम आते हैं एज पर आयु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मापदंड है वस्त्र को वस्त्र के चयन में हर आयु की अपनी रिक्वायरमेंट्स और चुनौतियाँ होती हैं वस्त्र को चुनते समय उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है तो सबसे पहले बात करते हैं शिशु के कपड़ों की लेट्स टॉक अबाउट इन्फेंट वेयर अब आपको पता है कि इन्फेंट की स्किन बहुत ही कोमल बहुत ही नाजुक होती है यानी कि अगर उसमें ज़रा सा भी घर्षण हो जाए तो वो उधर जाती है तो हमें किस तरह का कपड़ा लेना है जो बहुत ही स्मूद और सॉफ्ट हो और बहुत लाइट वेट हो जिससे कि बच्चे के ऊपर वज़न ना पड़े। दूसरी बात हमको देखनी है कि वो एक वार्म और कंफर्ट प्रोवाइड करे बच्चे को बच्चा उसको पहन के बहुत कंफर्टेबल फ़ील रहे उसे कहीं से वो चुभे नहीं उसका टेक्सचर ऐसा हो कि वो कहीं से बच्चे को चुभन महसूस ना करे बल्कि बहुत सॉफ़्ट हो बहुत आसान हो क्लीन करने के लिए क्योंकि बड़ा असहाय होता है बच्चा और वो जल्दी ही अपने कपड़े गंदे कर देता है तो बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं इसलिए ऐसे होने चाहिए जो आसानी से धुल जाए सॉफ्ट एंड लाइट वेट हो और बहुत ज़्यादा साज सज्जा का सामान उसमें नहीं हो क्योंकि वो बच्चे को अनकम्फर्टेबल कर सकता है या चुभ सकता है उसके वस्त्र ऐसे होने चाहिए क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम लेटा रहता है तो उसके वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो कि आसानी से पहनाए जा सकें और आसानी से उतारे जा सकें तो इसलिए वेयर में अवॉइड करते हैं बटन्स या जिपर्स क्योंकि वो बच्चे को चुभ सकते हैं तो क्या यूज़ करें फ्रंट ओपन उनके कपड़े बनाइए उनमें क्लैप्स लगा सकते हैं या बंधन लगा सकते हैं या उनको वेलक्रो से हम कर सकते हैं जैसे डबल ब्रेस्टेड आपने बनाए बंधन भी करा वेलक्रो लगा दिया तो उससे वो अपनी जगह पर रहेंगे दोनों फ्लैप्स और बच्चा कवर्ड रहेगा और उसको कहीं से कोई चुभेगा नहीं हम सॉफ्ट एंड लाइट सूदिंग कलर्स बच्चों के लिए चूज़ करें क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा फील कराएंगे और जो प्रिंट्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हों क्योंकि बच्चा ही बहुत छोटा है अपनी उम्र में और साइज़ भी उसका बहुत छोटा है तो बड़े प्रिंट्स उसके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे सबसे बड़ी बात है जब हम उसके नैपीज़ और डायपर्स की बात करते हैं उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए वो है एब्जॉर्बेंसी की वो बहुत अच्छी तरह से नमी को अवशोषण कर सकें दूसरा हमारी स्टेज है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की ये एक रफ एंड टफ स्टेज है उछल कूद की स्टेज है तो सबसे पहले हमें जो इसमें गुणवत्ता देखनी है कपड़े की वो ये है कि वो बहुत ही ड्यूरेबल हो कपड़े जल्दी फटने वाले नहीं हो। फिर ये बच्चे विभिन्न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि खेल कूद आ, अपना पेंटिंग डांसिंग तो इनके कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं तो हमें एक ऐसे वस्त्र का सिलेक्शन करना है जो कि बहुत इजी टू क्लीन हो और बहुत जल्दी ड्राई हो जाए उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो अब ये बढ़ती उम्र वाले बच्चे हैं ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं तो इनके कपड़े छोटे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी जो साइड सीम्स हैं और हेमलाइन है उसमें मार्जिन ज़रूर हो जिससे कि वो थोड़ी देर देर के लिए हम उसे खोल सकते हैं और कपड़ा हम थोड़े दिन और पहना सकते हैं अब क्योंकि इनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं जल्दी जल्दी डिस्कार्ड करने पड़ते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े लेने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है ब्राइट कलर्स इनको पसंद हैं पैटर्न्स में हम इनके लिए एनिमल्स कार्टून्स फ्लावर्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज वो है एडोलसेंट या टीनेजर्स आप सब जानते हैं कि किशोरावस्था के अपने चैलेंजेस हैं किशोरावस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस और इमेज कॉन्शियस होता है दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो अपने को रिफ्लेक्ट करता है अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू क्लोथ्स तो हमारे जो एडोलिसेंट हैं उनके क्लोथ्स होने चाहिए बहुत ही ट्रेंडी फैशनेबल ये एक एक्सपेरिमेंटेशन की भी स्टेज है तो नए नए तरह के कलर्स जैसे नियॉन कलर्स नए तरह के कट्स जैसे एसेमिट्रिकल कट्स कोल्ड शोल्डर्स ये सब वो पहनना पसंद करते हैं क्योंकि इससे वो अपने अंदर के पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करते हैं वो एक रिबेलियसनेस भी दिखाते हैं अपने कपड़ों के थ्रू दूसरी बात यह है कि ये बहुत जल्दी अपने कपड़ों से उगता जाते हैं और एक सोशल सर्कल में इन्हें अपनी एक इमेज बनानी है कि इनके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं ये बहुत अच्छे बहुत स्टाइलिश हैं ये बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ये जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलते हैं इसलिए ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है वी मे नॉट ली पुट टू मच ऑफ वेटेज ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक क्योंकि ये जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करेंगे दूसरी बात यह है कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होने चाहिए इनके कपड़े क्योंकि ये बहुत जल्दी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं पर ध्यान देना है कि इनके कपड़े फैशनेबल हों ट्रेंडी हों और उनकी फिट बहुत अच्छी हो इनको हर तरह के कलर्स पसंद हैं और ये नए नए कलर्स के साथ एक्सपेरमेंट करते हैं अब हम आते हैं आप एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि एक्सेसरीज़ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जैसे वॉचेस हैं बेल्ट्स हैं ब्रेसलेट्स हैं बैंडानज हैं ये सब भी इनके कपड़ों का ही एक हिस्सा है पार्ट ऑफ द इंसम्बल है इसलिए ये उनसे मैच करते हुए अपने एक्सेसरीज़ लेते हैं तो जब ये कपड़े ख़रीदते हैं तो एक्सेसरीज़ भी करते हैं मिक्स एंड मैच कपड़े इनके लिए बेस्ट हैं क्योंकि उससे ये बहुत ज़्यादा वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं अब हम आते हैं अपने पे या व्यसक की एज पर ये एक परिपक्वता की एज है इसमें शारीरिक मानसिक परिपक्वता होती है और वो उनकी ड्रेस सेंस में भी रिफ्लेक्ट होती है तो इनके कपड़े कैसे होंगे एलिगेंट एंड सिंपल क्लोथ्स टू कॉम्प्लीमेंट एज बॉडी टाइप एम्फोसिस ऑन प्रोफेशन ओकेजन एंड प्राइज़ क्योंकि ये अपना अपने घर का बजट भी इन्हें देखना होता है इसलिए प्राइस इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दे शुड बी ईजी टू मेन्टेन इसी तरह से ओल्ड एज ओल्ड एज या वृद्धावस्था की अपनी चुनौतियाँ हैं मोबिलिटी शारीरिक फ्लेक्सीबिलिटी डेक्सटिटी सब कम हो जाते हैं अतः इनके जो कपड़े हैं वो सॉफ्ट एंड लाइट वेट हों एब्जॉर्बेंट हों ब्रीदेबल हों लूज़ एंड कम्फर्टेबल फ़िट के हों इनके लिए फ़्रंट ओपनिंग्स एडवाइजेबल है क्योंकि इनके जॉइंट्स इतने स्टिफ हो जाते हैं कि कई बार ये पीछे बंद नहीं कर सकते हैं इनके जो बटन का साइज है वो भी बड़ा होना चाहिए और बटन होल भी बड़ा होना चाहिए जिससे कि आसानी से उसको मिनूवर कर सकें सिंपल डिज़ाइंस हों ईजी टू वेयर हो स्टेन रेजिस्टेंट हो क्योंकि इनसे खाना गिर जाता है ये भी एक बचपन की स्टेज में फिर से आ जाते हैं और क्योंकि इनकी ग्रिप अच्छा नहीं रहता है तो उससे क्या होता है कई बार ये चीज़ों को अपने ऊपर बहुत गिराते हैं तो स्टेंड्स हो जाते हैं इनके कपड़ों में तो स्टेन रेजिस्टेंट इनके कपड़े होने चाहिए ईजी टू लॉन्डर एंड ईजी टू मेनटेन आज जो आपको जानकारी मिली है वो आपको लाभान्वित करेगी मेरी आपको शुभकामनाएँ नमस्कार